हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस 2021 का एग्जामिनेशन जो अभी समाप्त हुआ है, हमने इसके बारे में कुछ वीडियो और बनाए हैं जो पहले शिफ्ट वन के बारे में क्वेश्चन का डिस्कस किए गए थे। और इसमें हम लोग शिफ्ट टू के महत्वपूर्ण कुछ सवाल जो काफ़ी कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं, उस सवाल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पेपर का एनालिसिस और कंपेयर करेंगे कि शिफ्ट वन और टू में कैसे सवाल थे। और लास्टली हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फ्यूचर में आपको इससे फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था सवाल में। कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और डेल्टा और एप्सिलॉन के फंक्शन के बारे में कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था। और ये ऐसा नहीं कि डेल्टा और एप्सिलॉन के फंक्शन पहली बार पूछा गया है, पहले भी सवाल ये पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा का फंक्शन क्या है। तो डेल्टा क्या काम करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड्स के इलोंगेशन में काम करता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो आपने देखा होगा कि शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, उसमें डेल्टा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है इलोंगेशन में। साथ साथ एप्सिलॉन का जो रोल होता है लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स हैं उसके सिंथेसिस में एप्सिलॉन का रोल होता है। साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो जुड़ी होती है, इसमें 5-3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है जो अन्य पॉलीमरेज से इसको डिफरेंट बनाती है। तो हमने यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड का काम रिपेयर में और थ्री का काम क्या है, रिप्लिकेशन में होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से सवाल आए थे। और आइए हम लोग ये देखते हैं। एक सवाल पूछा गया था ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड में अगर म्यूटेशन हो जाए ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये केस था मेरोडिप्लॉयड का। मेरोडिप्लॉयड कहने का मतलब क्या है, दो डिफरेंट सेट ऑफ कॉपी के जीन मौजूद होते हैं, इसी को मेरोडिप्लॉयड। एक टर्म अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर दे तो आपको जानना चाहिए कि मेरोडिप्लॉयड क्या होता है। साथ ही साथ ट्रिप्टोफैन ऑपरेन के बारे में, लैक ऑपरेन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा में। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, ऑलरेडी आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जेके बायोलॉजी क्लास पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि ऑपरेन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ई नेगेटिव का मतलब म्यूटेंट हो गया, ऑपरेटर यहाँ नेगेटिव है और ये क्या सही है। तो ध्यान देने वाली बात है, कहने का क्या मतलब, क्या किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन होगा। क्यों सिंथेसिस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑपरेटर म्यूटेंट है तो क्या है, ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस और अब्सेंस में रेगुलेटर प्रोटीन हमेशा क्या है, इसको नहीं बाइंड कर पाएंगे। और इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज हमेशा सिंथेसिस करेगा ई जीन का, ठीक है। तो हमेशा ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करने के लिए जो जीन की आवश्यकता है उसका सिंथेसिस होगा और उसका इस्तेमाल करके नॉन प्रिकर्सर प्रिकर्सर सोर्स से ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सवाल था और अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना फ्यूचर के लिए भी कि हमको तैयारी इसकी कर लेनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गैमिट फॉर्मेशन का, ये हर साल सवाल पूछा जाता है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं इस विश्वास दिलाता हूँ आपको जरूर देखिएगा, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लीन हो जाएगा गैमिट फॉर्मेशन का। और इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, क्या कह रहा है, ए बी जीन की दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये ट्रांस में लोकेटेड है। ट्रांस में कहने का मतलब क्या कि अगर कैपिटल ए है और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगर मान लीजिए स्मॉल बी लिखते हैं तो यहाँ स्मॉल ए और यहाँ कैपिटल बी हम लोग लिखेंगे। ट्रांस का मतलब यही होता है कि दोनों एक तरह के जो डोमिनेंट वाले एक जगह नहीं मौजूद है, अलग अलग क्रोमोजोम्स पर मौजूद होते हैं। तो बोल रहा है क्या कि अगर सबलिंग सेल्फिंग किया जाए, मतलब इसका मतलब सेल्फिंग किया जाए तो इस तरह का जीनोटाइप का परसेंटेज क्या होगा। तो बता देते हैं कि अगर सेल्फिंग किया जाए तो 10% रिकम्बिनेंट गैमिट बनेंगे। तो गैमिट क्या बनेंगे, ए बी 10% बनेंगे और कैपिटल ए बी दोनों मिला के 10% बनेंगे। तो मतलब 0.5% ए बी बनेगा। तो कहने का मतलब क्या कि अगर गैमिट बना 5% तो 0.05 हुआ। तो ठीक उसी तरीके से अगर इसको गुना कर देंगे 2 times तो ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो गुना करने पर आपका आएगा 0.00525 आएगा, 0.00 है ना 25 आएगा। लेकिन अगर इसको 100 में आप कन्वर्ट कर दें, 100 से गुना कर दें तो आपका इस तरीके से 0.25
आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सवाल था और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार पूछा जा रहा है। अगर आप नए हैं तो हो सकता है आपके लिए या आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कराई गई है, नहीं किए हैं, तो हो सकता है आप ये नहीं बनाए, लेकिन आप इसको बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक और फंडामेंटल सवाल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं एलील फ्रीक्वेंसी। ये सवाल भी काफी सिंपल था कि एलील फ्रीक्वेंसी आपको बताना था। ब्लड ग्रुप का एलील क्या हो सकता है? कैपिटल ए आई, कैपिटल ए आई और कैपिटल ए बी और समथिंग, और आई का क्या फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि अगर ए दिखा हुआ है ब्लड ग्रुप तो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, चीजें स्पष्ट नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अगर मैं सवाल सही समझ रहा हूँ तो। और ये बी है, इसमें भी होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, क्या है पता नहीं। होमोजाइगस कहने का मतलब क्या हुआ कि आई बी और आई बी, ये हो गया हमारा जाके होमोजाइगस। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आई बी और आई, ठीक है। तो मान के चलते हैं केस एक में, इस केस चलते हैं कि मान लीजिए होमोजाइगस है ही, तो ये होमोजाइगस है, तो एलील फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, आई ए का एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, 200 टोटल है, सही। और किस में आपको मिलेंगे ये की फ्रीक्वेंसी, इसमें मिलेंगे आधा, तो 10/200 कर देंगे, 10/200 कर देंगे, और इसको किससे गुना कर देंगे, हाफ से गुना कर देंगे। क्यों हाफ से गुना करेंगे, सिंपल चीज है, हाफ से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों का कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आप आई ए क्या निकाल सकते हैं, आई एक आई आई का निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो 90/98 कर देंगे, 200 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और एलील फ्रीक्वेंसी के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है एलील फ्रीक्वेंसी का, जिसका इस्तेमाल हम लोग कभी कभी हार्ड बेंगोरी क्वेश्चन में भी करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक सवाल था नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के दौरान स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रक्शन होता है, तो उसमें कौन से जो जो मॉलिक्यूल्स, आंसर स्पष्ट क्वेश्चन पता नहीं, लेकिन इसका आंसर जो होगा साइक्लिक जीएमपी ही होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करते गुआनिलिन साइक्लेज को, जो साइक्लिक जीएमपी का निर्माण करता है, और इस तरीके से एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज जी होता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यह भी काफी सिंपल सवाल है, सिग्नलिंग पढ़ाया जाता है तो ये बात आपको बताई जाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और सवाल के बारे में। मैं बात करूं इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप अपना समय जो है सही जगह पर लगाएं, जहां की सक्सेस आपकी गारंटी हो। आप मेरे साथ जुड़ें और एक या दो महीना में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ये मैं करने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, चीजें नहीं समझ में आती हैं, और आपका लक्ष्य है सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप चीजों को समझने लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। चलिए और हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। इसके पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, हमारा नया बैच 21 फरवरी को चालू हो रहा है, शाम में है, अगर आप चाहें तो एडमिशन के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारे यहाँ दोनों चीज बैच की सुविधा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज की सुविधा मौजूद है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये सवाल था रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का। रेट्रो ट्रांसपोजोन से संबंधित पूछे गए थे, और आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रहता कि भाई डीएनए रेट्रो ट्रांसपोज कैसे होते हैं, तो वैसे डीएनए जो एम्प्लीफिकेशन करते हैं अपने आप को थ्रू द आरएनए इंटरमीडिएट, मतलब कि डीएनए से आरएनए बनते, आरएनए से डीएनए बन के वो कहीं दूसरे जगह पर ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से एक तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं साइन, मतलब शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, जो है वास्तव में क्या है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के क्या है, उदाहरण है। अब देखिए एक और सवाल पूछा गया था, फाइंडिंग आउट सोलिबिलिटी ऑफ 100 इम्यूनो एसिड साल्टिंग इन एंड साल्टिंग आउट सेकंड, मतलब सोलिबिलिटी से सवाल पूछा गया था। आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास पर सोलिबिलिटी, प्रोटीन सोलिबिलिटी का वीडियो, एक बहुत सुंदर वीडियो मौजूद है, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बस यही समझना है कि साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद अगर साल का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाते हैं तो सोलिबिलिटी क्या होती है, आपकी घटते जाती है और प्रिसिपिटेट कर जाता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्टिंग आउट। किसी प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करना है तो कभी कभी हम लोग साल्ट डाल के भी प्रिसिपिटेट करते हैं, और कॉमनली अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम और आगे सवाल को देखते हैं। देखिए एक सवाल था कि TLR2 का अगर नोकआउट करें तो क्या इफेक्ट होगा, तो मैं बता देता हूँ। तो TLR का जो रोल है इन्फेक्शन और इम्यूनिटी में है,
और TLR जो है कहने का क्या मतलब, क्या रिकॉग्नाइज करता है वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल कंपोनेंट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिराइव्ड होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स किसके साथ फॉर्म होता है, TLR6 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, 1 और 6 के साथ फॉर्म होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा चीज कहने का क्या मतलब अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड होगा तो निश्चित है कि TLR6 क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि TLR6 जो है एक कंपोनेंट TLR2 के साथ इंटरेक्ट होकर काम करता। अगर यहाँ पर 1 रहता तो 1 भी आंसर हो सकता था और ये आंसर आपके नहीं होंगे। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, सिग्नल से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल से पहले लाइसोजोम्स के पूछे जाते थे, मेनोसिक्स फास्फेट, इस तरीके से डिफरेंट तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। अगर न्यूक्लियस की बात करें, अगर ये सेल है और सेल में हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में अगर कोई चीज को जाना है तो इसके लिए एक सिग्नल होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। इस सिग्नल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस पर किस तरह के रेसिड्यू होते हैं, पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू होते हैं, लाइसिन और आर्गानिन। तो ध्यान रखना इस बात को, और यही सवाल पूछा गया था, लाइसिन आपका आंसर होता, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई लोकलाइजेशन सिग्नल अंदर नहीं जाएंगे तो जो सारा सिग्नल से आपको साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलेगा। अगर ये अंदर चले जाएंगे, अगर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, तो सारा जो सिग्नल है आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो सिग्नल का मतलब है सही तरीके से चीजों को सही जगह पर पहुंचाना, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन मतलब जो भी प्रोटीन है उसको न्यूक्लियस में पहुंचा देना, और उसके लिए उसकी सिग्नल की खास विशेषता है कि लाइसिन और आर्गानिन पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू पाए जाते हैं। चलिए, अब आगे कहानी बात करते हैं। यह भी सवाल देखिए पूछा गया था इस तरीके से, जैसा कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि टोपो आइसोमरिज्म फर्स्ट और सेकंड और डीएनए पॉलीमर डेल्टा रैप्सोलिन का काम क्या है, शायद मैचिंग करने के लिए कुछ इस तरीके का था। तो टोपो आइसोमरिज्म क्या करता है, सिंगल स्टैंड ब्रेक करता है डीएनए को, और जो भी टोर्सन है उसको रिलीज करने का काम करता है, और ये डबल स्टैंड को ब्रेक करने का काम करता है। और इसका मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि डेल्टा और एप्सिलॉन का काम अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा। डेल्टा का काम है ओका जाके फ्रेगमेंट लीडिंग स्टैंड को लैगिंग स्टैंड को इलोंगेट करना, और एप्सिलॉन का काम क्या है, लीडिंग स्टैंड को इलोंगेशन करना। दोनों इलोंगेशन में इन्वॉल्व है, एक लैगिंग का करता है और एक लीडिंग का करता है, सही है। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं और कुछ सवाल को। एक सवाल पूछा गया था कि यूनिडायरेक्शनल डीएनए रिप्लिकेशन डायग्राम में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं तो इसमें कौन सा स्ट्रैंड क्या होता है पहले सिंथेसिस होता है। ये सवाल पिछले बार भी पूछा गया है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड में जो पहले सिंथेसिस होते हैं, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट सबको नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आरएनए प्राइमर सबसे पहले बनता है और उसी पर फिर क्या होता है, उनका एडिंग होता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे गए थे। अब आगे सवाल को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, लाइट रिएक्शन काफी सिंपल सवाल है, और वह क्या पार्ट सेकंड में भी पूछे गए थे, पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट दोनों में पूछे गए थे ये सवाल। तो ये आप पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, ये प्लास्टो फोटोसिस्टम 680 से क्यूनीन की ओर जाता है, जो क्या है कि ये क्या स्टेटमेंट गलत था। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि लाइट रिएक्शन से संबंधित दोनों में सवाल पूछे गए थे। अब देखिए, बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने देखा है, जैसे ये सवाल जो दोनों यूनिट में पूछे गए थे, रिप्लिकेशन से सवाल दोनों में पूछे गए थे, है ना, और रेट्रो ट्रांसपोजोम से भी दोनों में सवाल पूछे गए, दोनों सेक्शन में पूछे गए हैं, सिग्नलिंग के सवाल भी दोनों में पूछे गए हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन से सवाल थोड़े डिफरेंट पूछे गए हैं, ऑपरेंस से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें तो टॉपिक आपका तो चेंज नहीं किया, लेकिन सवाल का पैटर्न थोड़ा सा माइनर चेंज है, लेकिन जो पुराने सवाल है आज भी सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और सवाल है जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में मैं बात करूंगा। तो सारे परिस्थितियों में जो टेक होम मैसेज है, कहने का क्या मतलब, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ठीक है, अगर इतना नंबर अगर आपको आता है एक्सपेक्टेड कटअप 110 से 120, ओबीसी में 100 टू 110 और एससी में 80 से 90, तो आप अपने आप को कंफर्म समझिए, 99% चांसेस है कि आपका जेआरएफ मिल जाएगा। कुछ और बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि शिफ्ट 1 और 2 में अगर परसेंटाइल में कन्वर्ट करें तो सेम अमाउंट, जो सेम कटअप करने का क्या मतलब, परसेंटाइल में डिफर कर सकता है कि 100 नंबर लाने के बाद भी आपका परसेंटाइल कम हो सकता है और 100 नंबर लाने के बाद भी आपका परसेंटाइल बढ़ सकता है। ये बात पर डिपेंड करेगा
किस बात पर डिपेंड करेगा कि पूरे ग्रुप ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा और हम थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कितना परसेंटाइल अगर आपका आता है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो आपको क्या है पास होने की संभावना कंफर्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जीके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही सीट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है कि मैं सीएसआर नहीं पास कर सकता हूँ, तो आप हमारे साथ एक दो महीना के लिए जुटें और उसी में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और उसके बाद आपकी क्या होगी सफलता सुनिश्चित हो जाएंगी। तो बिना हेजिटेट किए हुए कोई भी जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। और लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना कमेंट और सुझाव जरूर लिखें, हमें नई वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।